देखिए आज जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर थोड़ी हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा है कि जो जिस जगह पर शिवलिंग मिली है उस जगह को सील किया। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इम्प्यून ऑर्डर, ये लफ्ज आप इस्तेमाल मत करिए, इन द इम्प्यून ऑर्डर का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है और 19 तारीख को हियरिंग है, देखिए क्या होता है। क्या उम्मीद करते हैं सर नेक्स्ट हियरिंग में आपके? नहीं, मैं कैसा बोलूं, मैं कैसा प्रीजज करूं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट स्टे लगा देगा, मुकम्मल इंसाफ होगा सर, क्योंकि फिर उसके बाद छुट्टियां भी शुरू हो रही सुप्रीम कोर्ट को। सर इस मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग कॉल की है, आप मेंबर भी हैं, एजेंडा क्या रहेगा उस मीटिंग का, क्या है थोड़ा तफसील से? सुप्रीम जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो आया है और ऐसे कई मसाजिद हैं वहां पर भी इस तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं और मुल्क में जो नफरत की राजनीति हो रही है, बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, तो ये उसमें मीटिंग में जूम पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद जाहिर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आपको पूरा बोलेंगे उसमें क्या तय हुआ, क्या क्या बातें हुई। सिमिलर एक इसी तरीके का इश्यू मथुरा में भी हो रहा है सर, वहां पिटीशन फाइल की गई है, कर्नाटक में भी। देखिए आपको हम शुरू से कह रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया उस वक्त ही मैंने कहा था कि वो फैसला आइंदा इन तमाम चीजों को एक रास्ता दिखाएगा और हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, मगर फिर भी ये मसला है और ज्ञानवापी के मस्जिद के इशू में आप देख रहे हैं कि कितनी एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस की एक मिसाल क्रिएट कर दी गई कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको कमिश्नर सर्वे कमिश्नर बना दीजिए, ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाईकोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं हमको, जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आपने अभी बताया कि मथुरा का मसला है, श्रीरंगापट्टनम की एक जामा मस्जिद को कहा जा रहा है, मुंबई में हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से अनाप शनाप बका जाता है, कर्नाटका में एक 150 साल पुरानी मस्जिद है उसके नए हिस्से को तोड़कर बनाया गया तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुंच गए कि नहीं वहां पर मंदिर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीजों को खत्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। कोर्ट पर सर एक तरफ अपने तरफ सही है सर, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सर्वे भी हो जाए, अगर सब जो शक है आशंका है वो भी दूर हो जाए? देखिए अब आप दूध नहीं पीना चाह रहे उसमें पानी मिला के पीना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूध का दूध हो चुका है, अब कोई पानी मिलाना चाह रहा है दूध में तो उनको पकड़िया, क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है, कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है, कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या सऊदीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया और उसके बाद आप दोबारा मुल्क उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं आप लोग? सर मध्य प्रदेश में घटना घटी है, हनुमान की मूर्ति नीमच में
नीमच में, नीमच की घटना कंडम करना चाहिए। आप मस्जिद के ऊपर कैसा लगाते हैं किसी और मजहब की इबादतगाह की तस्वीर या मूर्ति? आप कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर इस तरह की हरकत करते हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को बड़ा दावा करते हैं बुलडोजर का चलाएंगे बुलडोजर उन लोगों के ऊपर? क्या कर रही है पुलिस? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करें आप? आप मस्जिद के ऊपर जाकर इस तरह की मस्जिद को डिसक्रेट करते हैं, उसकी बेहरमती करते हैं, मस्जिद को बल्कि मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई, वहां पर खड़े हुए मुसलमानों के गाड़ियों को आपने तोड़फोड़ कर दी, जुलूस की शक्ल में आते हैं और पुलिस उनका इस्तकबाल करती है बारातियों की तरह। सर मतलब 1992 में जो हुआ वो फिर होगा बोल के आप ये अप्रिहेंशन है मेरा, ये मेरा अप्रिहेंशन है सर। मैं खुदा ना खास्ता नहीं चाह रहा होना, मगर जो लोग जिम्मेदार थे उस जमाने के, क्या आपने झूठ नहीं कहा था पूरे देश को कि किसी एक बादशाह ने मंदिर को तोड़कर बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर को नहीं तोड़ा गया? क्या आपने झूठ नहीं कहा था ऐसा रिपोर्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया? यही मनगढ़ंत झूठ पूरे मुल्क में क्रिएट किया जा रहा है। तो आपका कहना है सर कि ज्ञानवापी जहां मस्जिद है वहां पर कभी मंदिर नहीं था, मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनी है और ये कोई बात नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि 1991 का एक्ट क्लियर है, उसको मानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी मस्जिद में और राम मंदिर के सिविल सूट में जो आया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 पर जो ऑब्जर्वेशन दी है उसको मानने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। सर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा क्लियरली वजू नमाज वहां पे कर सकते हैं मगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो सर इस पे आप क्यों नहीं? शिवलिंग नहीं, इम्प्यून ऑर्डर का वर्ड आप पढ़िए आप लोग। नो सर, डीएमसी नो एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इम्प्यून ऑर्डर, यू शुड रीड इम्प्यून ऑर्डर। अच्छा आप बार बार पूछ रहे, आप पूछ रहे, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म द हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स शैल नॉट बी यूज एज इंस्ट्रूमेंट्स टू अप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जो मेरे को अंग्रेजी आती है कि पार्लियामेंट ने इस बात को अनसर्टेन टर्म्स में बतला दिया कि हिस्ट्री में अगर कोई गलतियां हुई इसको आप इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे लोगों को दबाने के लिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, ये पढ़ लीजिए। बिल्कुल अगर गलती हुई है क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? ये जो सुनिए, नहीं 98 में इस पर स्टे है नहीं है, इसी मसले पर 98 का कोर्ट का स्टे है। आप पार्टीज को चेंज करते हैं और आप जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था वो, अब आप इंडिविजुअल राइट्स को लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कोर्ट कर रहा है उस पैराग्राफ नंबर 83 में। अच्छा आप लोग पढ़ते नहीं है, पैराग्राफ 82 पढ़िए, उस वक्त के होम मिनिस्टर ने क्या कहा था 12 सितंबर को 1991 को, टॉलरेंस रेस्पेक्ट फॉर एंड एक्सेप्टेंस इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस फेथ्स इज अ फंडामेंटल प्रसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। 91 के एक्ट का इंटेंट इससे मालूम होता जो पार्लियामेंट में कहा जाता है, इसमें इंटेंट दिख रहा आपको क्या है क्या हो रहा है फिर यहां पर? आप बार बार कह रहे हैं सर कि ये बाबरी मस्जिद के जो पूरा अयोध्या का मसला था उसका ये रिपीट आपको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? 100% रिपीट लग रहा है ना भाई। आपने रात के अंधेरे में मूर्तियां चोरी से रख दी, उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने कहा कि सिर्फ पुजारी जाकर पूजा करेंगे, मेरी नमाज से महरूम हो गया। यहां पर भी आपने क्या किया? आपने कहा सिर्फ 20 लोग जाएंगे। वहां पर राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 30-page का ऑर्डर दे दिए, ताले खोल दिए आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। दूसरी साइड गई आप सुन लिए, हमको हम पार्टी हैं उसमें, यहां पर आपने पार्टी को सुनते नहीं है। और आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते, सर्वे कमिश्नर को रिपोर्ट भी नहीं देता है, ताले खोल दिए आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। दूसरी साइड गई आप सुन लिए, हमको हम पार्टी हैं उसमें, यहां पर आपने पार्टी को सुनते नहीं है। और आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते, सर्वे कमिश्नर को रिपोर्ट भी नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है, बाबा मिल गए कोर्ट के पास, और कोर्ट बगैर मुसलमानों को सुने,
बगैर कोर्ट का काम ही होता है कि मुसलमान को सुने, कोर्ट का काम ही होता है कि सर्वे कमिश्नर की फाइनल रिपोर्ट दे, मगर कोर्ट दूसरी साइड गई और ऑर्डर पास कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं सुनने के बाद ही बाबरी मस्जिद का फैसला। मैं आपको लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाते, समझते ना मेरी बात को आप। सर आपने कहा है कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई, आपके शब्द हैं, लेकिन एक बात सुनिए, क्यों बोलते हैं हम? अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया था, कोर्ट का क्या फैसला था बताइए? लेकिन सर अगर सुनिए, लेकिन नहीं, अगर मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो क्या होता? अगर मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो क्या फैसला था बताइए मेरे को आप? अगर ताले खोलने से पहले मुझे सुना जाता तो क्या होता था बताइए? आपने सुप्रीम कोर्ट को सॉलम इंफॉर्मेशन दिया था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, अब तक वो कंटेम्प पिटीशन हियर नहीं हुआ, मालूम आपको? जिन लोग सुनिए, जिन लोग जी 140 साल तो लड़ रहे ना सर, क्या लड़ रहे हैं आप? क्या लड़ रहे हैं आप? लड़ रहे तो आप तोड़ देंगे उसको, बगैर कोर्ट का फैसला है। जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिशन करे, कंटेम्प पिटीशन आज तक हियर नहीं हुआ, मालूम आपको? वो चबूतरे का कंटेम्प पिटीशन हियर हुआ था जिसमें कल्याण सिंह को सजा हुई थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम अब मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहते। सर भारत की न्यायपालिका पे आपको भरोसा है? आपको शक क्यों हो रहा है? क्या आप ये तरह का सवाल आप दूसरे पॉलिटिशियन से पूछते हैं जो मुसलमान नहीं है? हर चीज आप लोग, क्या आप लोग वफादारी का सर्टिफिकेट देंगे मुझे बैठकर यहां पर? आपको भरोसा ही नहीं है, आपको इसमें भरोसा ही नहीं है? मुझे नहीं चाहिए आपकी वफादारी के और उसकी सर्टिफिकेट। मुझे एक भारत का मैं नागरिक हूं, संविधान पर मुझे पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ना इतफाक करना मेरा संवैधानिक राइट है, क्योंकि जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, कसौदीन ओवैसी ने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था ना बात। आगे के लिए सर क्या, खैर कोर्ट का तो 19 को आएगा, लेकिन ऐसे मामले आते रहेंगे, तो क्या आप एक कुछ सजेस्ट करेंगे कि ऐसे जब मैं उसको हैंडल किया जाए? मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि बीजेपी और आरएसएस 1991 एक्ट को फॉलो करें और चाबी ना दें इस चीजों को। ये सब के सब कौन है ये लोग? क्या इनका कनेक्शन आरएसएस से नहीं है? पर अब बीजेपी और आरएसएस को क्यों नहीं? अरे वाह, अरे अरे आपको नहीं दिख रहा है तो हमको दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है। क्या कहा था वो आरएसएस के, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मर्ज के जिम्मेदार है? आपने मीडिया में बड़ा बड़ा कैरी किया था आपके चैनल ने, वो खुद वो ऐसा बोल के बता दिए कि ये इन्हीं का कनेक्शन इससे ताल्लुक है इसका। तो बीजेपी और आरएसएस पॉलिटिसाइज करना चाह रही है इसको, आप ये कहना? पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही है, उससे ज्यादा आगे जाना चाह रही है। जो कल्चरल हिस्ट्री है पूरा उसको इरेज करना चाहते हैं, ये उनका असल मंशा और मकसद है। और इसमें कि कांग्रेस के नेता है वो तो बोले कि दे दो मस्जिद दे दो, कोई है ना वो कोई वो स्वामी है, क्या है उनका नाम, कोई आचार्य जी, कांग्रेस के हैं वो। भाई साहब मस्जिद मेरी भी नहीं है, मस्जिद ना मेरे माँ की है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे खानदान, मस्जिद अल्लाह के नाम की होती है, क्यों देंगे मस्जिद हम? क्या कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक करती है? देश जोड़ो की बात करते हैं और देश तोड़ो के काम आपका आदमी बोलता है? नहीं, वो दिल बड़ा करने की बात, कब तक दिल बड़ा करेंगे? आप तो हमारा जिस्म ही काट दिए, अब कौन सा दिल बचा है? सर आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो जनरली ये बोला गया जन्मभूमि चाहे कृष्ण मथुरा का इशू हो, अयोध्या का इशू हो, या काशी का इशू हो, वहां पर एक मेजोरिटी कम्युनिटी का एक बिलीफ है, उसको दोनों कम्युनिटी को मिलकर उसको सॉल्व करना चाहिए, पीसफुल सोल्यूशन आना चाहिए इसका। देखिए आप दिखाई दी अपनी असलियत, मेजॉरिटी कम्युनिटी का बिलीफ, तो क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी का बिलीफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के बिलीफ से ज्यादा होता है क्या? हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? बिलीफ पर चलेगा देश या संविधान पर चलेगा, ये क्या बात है? बिलीफ के ऊपर नहीं चलता देश। मेरी बिलीफ का क्या होगा, मैं आपके चरणों में पेश कर दूं मेरी बिलीफ को? कानून के मुताबिक चलेगा, आईन के मुताबिक चलेगा, संविधान के मुताबिक चलेगा, कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चलेगा। आप बिलीव कहां से लेकर आ रहे हैं इस चीज को? सर लोअर कोर्ट के फैसले को पर आपको ऑब्जेक्शन भी है? हाँ, तो ऑब्जेक्शन का इख्तियार है मुझे, मैं क्या बिलीव की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं मुझे उस पर उनके मुझे इख्तियार है,
मैं कहां कंटेम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोर्ट के फैसले को गलत है फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, 91 के एक्ट के खिलाफ है, और 98 में उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दिया इसी सेम डिमांड्स पर। एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था 98 में, उसको आपने इंडिविजुअल राइट लगा दिया,